हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। 11th क्लास में हम ये टॉपिक कर चुके हैं, आज थोड़ा रिवाइज करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रन टाइम एंटिटीज होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? रन टाइम एंटिटी होते हैं, और इन ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करी जाती है। जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रन टाइम एंटिटी होते हैं, और मेमोरी में जो है उनको स्थापित किया जाता है, उनके लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, जहां वो क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और फंक्शंस को स्टोर करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑपरेशन। सेट ऑफ ऑपरेशन तो क्या होगा, जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो रन टाइम एंटिटी होते हैं, उनको मेमोरी एलोकेट की जाती है, और मेमोरी में क्या स्टोर होगा? डेटा एंड फंक्शन, और फंक्शन की हेल्प से उस डेटा को एक्सेस किया जाता है। जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी ऑब्जेक्ट को, उसमें जो डेटा है वो स्टोर किया जाएगा, और जो फंक्शंस हैं वो स्टोर किए जाएंगे, और उन फंक्शंस की हेल्प से ही उस डेटा को एक्सेस किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट इन फंक्शन का यूज़ करके एक दूसरे के साथ जानकारी भी आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करना होता है ऑब्जेक्ट्स को, वो किसकी हेल्प से होता है? फंक्शंस की हेल्प से होता है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लास के वेरिएबल की तरह काम करते हैं, और एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट डिफाइन किए जाते हैं। जब हम एक क्लास बना लेते हैं तो उसके बाद हम उसके कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? रन टाइम एंटिटी होते हैं, जिसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट किया जाता है, जिसमें वो डेटा और फंक्शंस को स्टोर करते हैं, और जो डेटा है उसको एक्सेस किससे किया जाएगा? फंक्शंस की हेल्प से, और फंक्शंस की हेल्प से ही जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और अगर हमने एक बार क्लास क्रिएट कर ली, क्लास हमने डिफाइन कर ली, तो हम कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास क्या होती है कि अगर हम सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सिमिलर टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दें, तो उस ग्रुप को नाम दिया जाता है क्लास। सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट के समूह को क्लास कहा जाता है। और हमने जो देखा था डेटा टाइप, उसमें हमने देखा था कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। डेटा मेंबर को वेरिएबल बोला जाता है, और मेंबर फंक्शन को फंक्शंस बोला जाता है, जो एक ही यूनिट में स्टोर होते हैं, जो एक ही यूनिट में लिखे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास बेसिक रन टाइम एंटिटी है, और जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको अगर एक यूनिट में रख दिया जाए तो उसको क्या नाम दिया गया? क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि हमारे पास स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, हमने क्लास क्रिएट की स्टूडेंट नाम की, तो जो क्लास के सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, वो उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट नाम की एक क्लास है तो क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है कि हमें जो क्लास है वो डिफाइन करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? क्लास कीवर्ड। क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है, और उसके साथ क्या लिखा जाता है? क्लास का नेम लिखा जाता है। तो सिंटैक्स क्या बनेगा इसका? क्लास, यहाँ पे क्लास जो वर्ड लिखा हुआ वो एक कीवर्ड है, और उसके बाद क्लास का नाम, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर जो डेटा मेंबर हैं वो लिखने हैं हमें, फिर मेंबर फंक्शन लिखने हैं, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी, और फिर सेमी कोलन आएगा, और जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे उनके भी बाद सेमी कोलन लगेगा। तो जो क्लास है उसका सिंटैक्स क्या हुआ? सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डेटा मेंबर्स,
जो हमें देने हैं और जो मेंबर फंक्शन हमें यूज़ करने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस की एक यूनिट होगी जिसमें सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। हमने यहाँ कहा कि क्लास में क्या लिखे जाएंगे, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो जो डेटा मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लास में उनको क्या बोला जाता है, डेटा मेंबर। और जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेंबर फंक्शन। क्लास में जो वेरिएबल ले रहे हैं उसको हम डेटा मेंबर बोलते हैं और जो फंक्शन ले रहे हैं उनको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। जो मेंबर फंक्शन होते हैं या जो डेटा मेंबर हैं वो तीन टाइप से एक्सेस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर हम ये डिफाइन ना करें वहाँ पे कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट माने जाते हैं। तीन टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या माने जाते हैं, प्राइवेट माने जाते हैं। अब एक क्लास का एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है। सबसे पहले क्या हुआ, क्लास को अगर हमें डिफाइन करना है तो क्लास कीवर्ड का यूज हुआ, उसके बाद क्लास का नाम लिखा गया, उसके बाद डेटा मेंबर हैं हमारे पास कौन कौन से, इंट मार्क्स, इंट एवरेज। हम कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें क्या हुआ, इंट मार्क्स और इंट एवरेज नाम के हमने क्या ले लिए, दो डेटा मेंबर ले लिए। और जो हमें फंक्शन लेने थे वो हमने क्या बना दिए, पब्लिक बना दिए, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन है, void get data और void display। ये क्या है, मेंबर फंक्शन है, और int marks और int average जो है वो क्या है, डेटा मेंबर है। तो ये क्या था, एक क्लास का एग्जाम्पल था जिसमें हमने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दिखा रखे हैं। उसके बाद आता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का यूज एक्सेस कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो एक्सेस स्पेसिफायर हमने देखा था कि तीन टाइप के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, उनका यूज एक्सेस कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले आता है प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसी क्लास के लिए काम करते हैं जिसमें वो डिफाइन होते हैं, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते क्योंकि ये प्राइवेट टाइप के हैं, ये जिस क्लास के लिए बनाए गए हैं सिर्फ उसी क्लास के लिए काम करेंगे, बाहर ये एक्सेस नहीं किए जाएंगे। और जो प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, वो पब्लिक के जो मेंबर होंगे वो क्लास के बाहर और अंदर दोनों ही जगह एक्सेस किए जाते हैं, ये बाहर भी अवेलेबल रहते हैं। तो पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो क्लास के बाहर भी काम हो सकते हैं और अंदर भी वो एक्सेस किए जा सकते हैं। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, ये इनहेरिटेड होते हैं। हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था तो ये उसी में यूज होते हैं, ये इनहेरिटेड होते हैं, इनका यूज इनहेरिटेंस में किया जाता है। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हमने तीन एक्सेस स्पेसिफायर देखे। जो हमारे पास प्राइवेट होते हैं वो उसी क्लास के लिए काम करते हैं जिसमें वो डिफाइन होते हैं, वो बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। और जो पब्लिक है वो उस क्लास के बाहर और उस क्लास के इनसाइड दोनों जगह एक्सेस किए जा सकते हैं। और जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं और इनहेरिटेंस में यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है एक्सेस डेटा मेंबर। हमें जो ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं उसके साथ उनको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेस डेटा मेंबर। क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन का यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं, क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मेंबर फंक्शन यूज होता है यहाँ पे, और उसके साथ एक्सेस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। ये मेन लाइन है कि डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, एक्सेस ऑपरेटर मीन्स डॉट ऑपरेटर। कौन सा, डॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एग्जांपल देखते हैं। जो क्लास थी, कौन सी क्लास बनाई हमने, पर्सन नाम की क्लास बनाई, और उसके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे, void main curly bracket start
क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। क्लास क्या है? पर्सन, और ऑब्जेक्ट क्या है? पी वन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी वन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाएगा और फंक्शन का नाम लिखा जाएगा और बीच में डॉट ऑपरेटर लगेगा, बीच में डॉट ऑपरेटर लगेगा। क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन यूज़ किया जाता है और उसके साथ एक्सेस ऑपरेटर जो कि डॉट ऑपरेटर होता है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, पी वन। पर्सन नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, पी वन। तो पी वन डॉट गेट डाटा, पी वन डॉट डिस्प्ले। तो ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा मेंबर हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं, और उसके बाद गेट सी एच और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन को जो हमारा मेन प्रोग्राम है और जो क्लास है उसके बाहर अगर डिफाइन करते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन है उसको हम क्लास के बाहर अगर डिफाइन कर रहे हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की वहाँ पे नीड पड़ती है। अगर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, वो फंक्शन हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हम कोई ऐसे फंक्शंस को डिफाइन, फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं जो क्लास के बाहर डिफाइन किया गया है, तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या है, कोई ग्लोबल वेरिएबल है, अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। जब ऐसा हो कि हमारे प्रोग्राम में एक लोकल वेरिएबल हो और एक ग्लोबल वेरिएबल हो, दोनों का नाम सेम हो और हमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। void person, void जो है वो रिटर्न टाइप है, person क्या है, हमारे क्लास का नाम है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया गया है ऐसे, और उसके बाद गेट डेटा, ये हमारे क्या है, ये मेंबर फंक्शन है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए क्या हुआ, सबसे पहले क्लास का नाम आया और क्लास का टाइप आया void person, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज हुआ, और उसके बाद फंक्शन का नाम आया गेट डेटा, उसके बाद क्या हुआ, सी आउट एंटर टोटल मार्क्स, सी इन करवा लिए हमने मार्क्स और एवरेज निकाल लिया मार्क्स डिवाइड बाय 5 और करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज हुआ है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दो कंडीशन में यूज होता है, एक तो हमें वो फंक्शन एक्सेस करने पड़े जो क्लास के बाहर हमने डिफाइन करे हैं, दूसरा अगर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम है और हमें ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब हमने क्लास का एक क्लास और ऑब्जेक्ट से एक फुल प्रोग्राम लिखा है जो हम देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि यूजर से डेटा लेना है, यूजर से मार्क्स एंटर करवाने हैं, उन मार्क्स से हमें एवरेज निकालनी है और वो मार्क्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, मार्क्स की एंट्री करवानी है, उनकी एवरेज निकालनी है और फिर उन मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेंगे, एक तो मार्क्स और एक एवरेज, और दो फंक्शन लेंगे, एक तो डेटा को गेट करने के लिए और एक डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल लगाई, हैस इंक्लूड iostream.h, हैस इंक्लूड conio.h, उसके बाद एक क्लास बनाई, तो क्लास के लिए क्या यूज हुआ, क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड लगाया, क्लास का नाम लिखा पर्सन, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या किया, हमने डेटा मेंबर बताए कि ये डेटा मेंबर हम यूज करने वाले हैं, इंट मार्क्स इंट एवरेज, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट डेटा मेंबर ये होते हैं, हमने यहाँ पे बताया नहीं है कि ये पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं या प्रोटेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएंगे,
प्राइवेट डेटा मेंबर। फिर हमने पब्लिकली डिफाइन किया है कौन कौन से दो फंक्शन, गेट डेटा और डिस्प्ले। तो हमने लिखा void get data, void display, और यहाँ पे हमारी क्लास का जो है वो क्लोज कर दी हमने। उसके बाद क्या हुआ, क्लास के बाहर हमने क्या लिए, फंक्शन लिए, कौन सा, गेट डेटा। क्या यूज किया, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। तो कैसे करेंगे, रिटर्न टाइप लिखा क्लास का, क्लास का नाम लिखा, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर किया यूज करा और फंक्शन का नाम लिखा। अब ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे कि फंक्शन में हमें करना क्या है। तो क्या कर रहे हैं हम, सी आउट करवा रहे हैं एंटर टोटल मार्क्स, सी इन में करवा लिया मार्क्स। जब हमने सी आउट टोटल मार्क्स लिखा तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर टोटल मार्क्स, और सी इन में लिखा मार्क्स तो क्या हुआ, कीबोर्ड से एंट्री करवा ली मार्क्स की, एवरेज निकाल लिया, मार्क्स डिवाइड बाय 5 और ब्रैकेट बंद। ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा फंक्शन लिया, कौन सा, डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन हमने क्लास के बाहर लिया है, क्या यूज़ किया है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, void person, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। ये क्या है हमारी फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में क्या लिखा हमने, योर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू एवरेज। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे एवरेज नंबर थे उनको हमने डिस्प्ले करवा लिया। ये फंक्शन यहाँ तक था। अब क्या हुआ, मेन फंक्शन लगाया हमने, void main, और void main में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाए हमारी क्लास का। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, पर्सन जो है वो क्लास का नाम है और P1 इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और अब हमें क्या करना है, जो डेटा मेंबर हैं उनको हमें एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, P1.getData, P1.display, गेट CH लगाया और मेन फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एंटर, आउटपुट क्या आएगी, एंटर टोटल मार्क्स, इसकी आउटपुट क्या आएगी, एंटर टोटल मार्क्स आपने लिख दिया 500। तो इसका रिजल्ट आएगा योर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 100, क्योंकि 500 को क्या करेगा, 5 से डिवाइड करेगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा इसका, 100। पूरा जो इसका लिखा आएगा स्क्रीन पे वो क्या आएगा, वो आएगा एंटर योर मार्क्स, आप डाल दोगे 500। 5 सब्जेक्ट में डाला है, अगर आपके सारों में फुल नंबर आए हैं तो आपके 500 हो जाएंगे। अगर आपके कम आए हैं, आप कह रहे हो कि मेरे तो 450 आए हैं, तो एंटर टोटल मार्क्स आपने डाला 450, तो रिजल्ट आएगा योर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 आएगा, क्योंकि 450 को किससे डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट ये आएगा, आउटपुट ऐसी आएगी। नेक्स्ट है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++, कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ऑब्जेक्ट की एरे बनानी पड़ी। तो जो हमारा पिछला प्रोग्राम था उसमें क्या था, हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था, कौन सा, P1। पर्सन जो है वो एक क्लास थी, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया P1। तो यहाँ पे हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, मीन्स हम एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो यहाँ पे एंटर और डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे, तो ठीक है हमने एक स्टूडेंट का डेटा एंटर करवा लिया, लेकिन अगर हमें कई स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हो, तो अगर हमें कई स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवा के उसकी एवरेज निकालनी हो, तो या तो हम क्या करें, उतने ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उतने ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, या फिर हम क्या करें, उन ऑब्जेक्ट की एक एरे बना लें। क्योंकि जब हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है तो हम क्या करते हैं, एक एरे की हेल्प से वो प्रोग्राम थोड़ा ईजी कर लेते हैं, इसलिए हमें एरे की ज़रूरत पड़ी। तो जब हमारे प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा विदाउट एरे, बट अगर एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट को हमें डिक्लेयर करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एरे क्या करेंगे, हम डिक्लेयर
कर देंगे, ऑब्जेक्ट की एरे वहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे। तो उसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, जो हमारा सिंपल प्रोग्राम में सिंटैक्स क्या था, क्लास नेम था पर्सन, ऑब्जेक्ट नेम P1 और सेमी कॉलन था। यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था P1 उसकी हमें क्या बनानी है, एरे बनानी है। और एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हमने लिखा क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और साइज, कि उसका साइज क्या होगा। हम दो बच्चों के लिए बना रहे हैं, 3 के लिए बना रहे हैं, 10 के लिए बना रहे हैं, 20 के लिए बना रहे हैं, वो साइज यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम सेम ही है, बस लास्ट में क्या है, जहाँ पे हमने एरे बनाई है इसकी, ऑब्जेक्ट की जहाँ पे एरे बनाई है, तो हमें इतना भी पता है कि जब हम एरे बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो क्या करते हैं, वहाँ पे हमें फॉर लूप की ज़रूरत भी पड़ती है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो प्रोग्राम सेम है वो तो हमारा, सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली, उसके बाद एक क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नाम लिखा पर्सन, और मार्क्स एंटर, मार्क्स के लिए एक वेरिएबल लिया इंट, डेटा मेंबर लिया और एक एवरेज लिया। उसके बाद हमने पब्लिक टाइप के गेट डेटा और डिस्प्ले दो मेंबर फंक्शन लिए यहाँ पे, और फिर क्या किया, जो क्लास थी उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से जो हमारे पास गेट डेटा था, जो डिस्प्ले था, उन दोनों को क्या किया, डिफाइन किया। तो गेट डेटा में एंटर योर मार्क्स, मार्क्स एंटर करवाए और एवरेज निकाल ली, और डिस्प्ले में क्या किया, योर एवरेज मार्क्स एवरेज डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या था, जो डिफरेंस आया है एरे से वो कहाँ आया, मेन प्रोग्राम में। तो वॉइड मेन हमने लिखा, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा दिया कि हमें 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, हमारी जो एरे है वो 3 की होगी, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम और सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो एरे है ऑब्जेक्ट की, वो किस टाइप की है, पर्सन टाइप की है, वो किस टाइप की है, पर्सन, क्लास टाइप की है, और क्लास का नाम क्या है हमारे पास, पर्सन। तो यहाँ पे जैसे हम एरे, सिंपल एरे लिखते थे, तो वहाँ पे एरे में क्या होता था, इंटीजर टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, या जो भी टाइप है उसका, बट यहाँ पे जो एरे है ऑब्जेक्ट की, वो किस टाइप की है, क्लास टाइप की है। और फिर क्या किया, हमें क्या करना है, डेटा को एंट्री करवानी है, डेटा की एंट्री करवानी है, तो क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे एक। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 हमने इंटीजर टाइप का लिया, i जो है वो इंटीजर टाइप का लिया। हमारे पास C++ में ये फैसिलिटी होती है कि जो वेरिएबल हम जहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम उसी को वहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं, हमें ऊपर जाके उसको int i करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी, हमने यहीं पे int i डिक्लेयर कर दिया। तो int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 से 2 तक चलेगा। ये P1 आई डॉट गेट डेटा, P1 आई की वैल्यू पहले 0 होगी, तो P1 0 और जो गेट डेटा है वो कॉल होगा, उसके बाद P1 1 होगा, फिर P1 2 होगा। तो 3 बार ये लूप चलेगा, 3 बार यहाँ पे डेटा लिया जाएगा। फिर क्या हुआ, हमने डिस्प्ले करवाने के लिए भी एक फंक्शन लिया हुआ है, वो भी हमने फॉर लूप में डाल दिया, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और P1 i डॉट डिस्प्ले, तो पहले P1 ऑफ 0 होगा, फिर P1 1 होगा, फिर P1 2 होगा, और वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा ली जाएगी। और फिर हमारे पास क्या हुआ, प्रोग्राम का यहाँ पे एंड हो गया। तो इसकी आउटपुट कैसे हो सकती है, इसकी आउटपुट क्या होगी, हमने क्या किया, 3 जो हमारी एरे का साइज था वो क्या था, 3 था, तो P1 0 हो सकता है, P1 1 और P1 2, तो पहले के रिजल्ट एंटर करवाया, दूसरे का करवाया और तीसरे का करवाया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय हमने क्या कर दिया, उन ऑब्जेक्ट की एरे बना लिए, ताकि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट ना बनाने पड़े, हमने क्या करा, उस ऑब्जेक्ट्स की एरे बना ली, ताकि हमारा काम इजी हो जाए। तो ये था हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++।